Your Excellency, Sheikh Hasina Ji, Prime Minister of Bangladesh, Honorable Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, Sushma Ji, Bangladesh ke Videsh Mantri Ji, इस प्रसारण से जुड़े सभी लोगों को और विशेषकर बांग्लादेश में रहने वाले सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज शुभ उपलक्षे दुई देशवासी देर आमार अभिनंदन जानाई। आज आमादेर मैत्री बंधन आरो सुदृढ़ होलो। कुछ दिन पहले दोनों देशों में दीपावली, दुर्गा पूजा और काली पूजा के महोत्सव मनाए गए। मैं दोनों देशवासियों को इस फेस्टिवल सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक्सलेंसी, मुझे प्रसन्नता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे एक बार फिर मुझे मिलने का अवसर मिला। आपके स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से और 125 करोड़ भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरा शुरू से ही मानना रहा है कि पड़ोसी देशों के लीडर्स के साथ सही मायने में पड़ोसियों जैसा ही संबंध होना चाहिए। जब जी करें बात होनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, विजिट्स होनी चाहिए। इस सब में हमें प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं रहना चाहिए। कुछ समय पहले हमने साउथ एशिया सैटेलाइट के लॉन्च के समय इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। पिछले वर्ष हमने मिलकर के पेट्रापोल आईसीपी का उद्घाटन भी इसी प्रकार किया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। एक्सलेंसी, कनेक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है हमारी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और आज इंटरनेशनल पैसेंजर टर्मिनल्स के उद्घाटन से कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस द्वारा जो आज शुरू हुई, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस के यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इससे उन्हें न सिर्फ कस्टम्स और इमिग्रेशन में आसानी होगी बल्कि उनकी यात्रा के समय में भी करीब करीब 3 घंटे की बचत होगी। मैत्री और बंधन, इन दोनों रेल सुविधाओं के नाम भी हमारे शेयर्ड विजन के अनुरूप है। एक्सलेंसी, जब भी हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मुझे हमेशा आपके प्री 1965 कनेक्टिविटी बहाल करने के विजन का ख्याल आता है। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस दिशा में एक एक कदम करके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने 2 रेल पुलों का भी उद्घाटन किया है। लगभग $100 मिलियन की लागत से बने ये पुल बांग्लादेश के रेल नेटवर्क को भी मजबूत करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। बांग्लादेश के विकास कार्यों में एक विश्वस्त साझेदार होना भारत के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे $8 बिलियन के कंसेशनल फाइनेंस के कमिटमेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट पर
संतोषकारक और अच्छी प्रगति हो रही है। डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और हम दोनों देशों के बीच जो सदियों पुराने ऐतिहासिक लिंक्स हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोगों के बीच, उन्हें मजबूत करने की दिशा में आज हमने कुछ और कदम आगे बढ़ाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे हम अपने संबंध बढ़ाएंगे और लोगों के बीच रिश्ते और मजबूत करेंगे, वैसे वैसे हम विकास और समृद्धि के लिए नए आसमान भी छूने में सफल होंगे। इस काम में सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री आपका और मुख्यमंत्री ममता जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं फिर एक बार बंगबंधु का पुण्य स्मरण करते हुए बांग्लादेश के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए, ये हमारा मैत्री और बंधन की गति और उसका व्याप और बढ़ेगा, इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।